मेरा नाम है in and to an कि आप जानते हैं एन टी फेमस फॉर गिविंग और बड़ा शॉक आया है जब आप एन की ऑफिशियल वेबसाइट पर खोल के देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम होता है दैट इज लेटेस्ट एट एन टी एम एट एन टी ए पे जाएंगे तो फ्रीकुंटली आज क्वेश्चन फॉर जेई मेन्स चलो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो हमें डाउट आ रहे थे सिलेबस में कि फ्रॉक करना या नहीं करना जो डिलीटेड है पोर्शन उसको करना है कि नहीं करना कुछ चीजें ऐसी दी है, है वो करनी है सोचा, एक लेकिन मैं आपको बता दूं डाउट क्लियर नहीं करे चीजें थोड़ी बढ़ा दी है अस रीड जो इन्होंने बताया तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है इनको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा ध्यान से बताऊंगी कि एनटीए कहना क्या चाह रहा है सबसे पहले इनके पास क्वेश्चन आया हमें सिलेबस नीट का कहां से मिलेगा तो एन ने बोला कि जो सिलेबस तुम्हारा एनएमसी की वेबसाइट पे दिया हुआ है ना वही अपना करेक्ट सिलेबस है 2024 और 2025 के लिए एन ने भी अपनी साइट पर सिलेबस अपडेट कर दिया आप जानते हैं ना ये अपना न्यू सिलेबस जो एन टी एबसाइट पे आया था उसी सिलेबस की बात कर रहे हैं मतलब सिलेबस वही है

और जो बेटा एनसीआर तो की बुक में से भी हटा दी है तो वो हमने सिलेबस में से भी रिमूव कर दिया न्यू एनसीआर की बुक में टॉपिक डिलेटेड है जैसे की सेकेंडरी ग्रोथ है जैसे की आपका है है जो इन्होंने रिमूव करी है ना से, वो रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं द सिलेबस रिवाइज एंड रिड्यूसड टू फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ठीक है हमने सिलेबस को कम कर दिया है ताकि हम कोर कॉन्सेप्ट काम करें लेकिन ये कह रहे हैं कि जो टॉपिक पहली लाइन में बोल रहे हैं जो टॉपिक

नेक्स्ट कह रहे हैं कि हमें डाउट आ रहा है कि क्या फ्रॉग एक इंसेक्ट है इस पर तो बवाल मच गया था तो इन यूनिट टू ऑफ बायोलॉजीफिकेशन दे रहे हैं इट शुड बी रेड एज ऑफ एन इंसेक्ट frog। तो so आ जाते हैं अपने सिलेबस पे ये सिलेबस में बेटा यहां पर दिया हुआ था ध्यान दो मोर्फॉलोजी एंड एनोटोमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट प्रॉक दिया था अब ये कह रहे हैं इसको ऑफ एन इंसेक्ट ना पढ़ा जाए यहां पर एक वर्ड एड कर दिया जाए और एक ही इंसेक्ट दिया हुआ था यहाँ पर दैट इज बिलोंग टू और यहां पर आपको कॉकरोच भी पढ़ के जाना चाहिए बिल्कुल इट शुड बी रेड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड अफ्रॉग तो अगर पूरी लाइन में मैं ऑफ एन इंसेक्ट एंड फ्रॉक डाल दूंगी तो मुझे इसका भी ब्रीफ करके जाना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम हमें कॉकरोच का भी करके जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ऐड कर दिया है यहां पर ठीक है जी यस yes, ब्रीफ अकाउंट ओनली ठीक है ये एक नई चीज आई दूसरा कह रहे हैं जो हमारा डाउट था कि मैम प्लांट फैमिलीज डाल दी है वो तो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट दो इन न्यू बुक्स। बड़े बात है तुमने ऐसी डाल दी जो एनसीआरटी में दी नहीं हुई है, अब क्या तो कहता है, हमने इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि बोर्ड वाले कराते हैं महाराष्ट्र बोर्ड बोर्ड, बोर्ड 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 एंड कश्मीर नागालैंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर सिंस वो लोग ये कराते हैं इसीलिए हमने भी उसको ऐड कर दिया है तो तुम भी पढ़ लो यानी कि क्या आपको प्लांट फैमिलीज़ पढ़नी है जो सिलेबस में दी हुई है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है इसीलिए हाँ जी पढ़नी है यस बिल्कुल पढ़नी है ठीक है करते हम हमको करना है वो करना ही करना है इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो चीज एनसीआर में नहीं है क्या वो करें हा कर क्योंकि वो बाकी बोर्ड वाले कराते हैं दूसरा बेटा ये कह रहे हैं फ्रॉक करना है हा करना है लेकिन फ्रॉक के साथ कह रहे एंड एंड इंसेक्ट भी डाल दिया है तो हमें वो इंसेक्ट भी करना है और इंसेक्ट एक ही डिटेल में दिया हुआ था पुरानी एनसीआरटी में दैट इज कॉकरोच तो हमें वो भी करके जाना है क्या प्लांट फैमिलीज़ करनी है हाँ करनी है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो पोर्शन एनसीआरटी में से डिलीटेड है लेकिन कुछ बोर्ड कराते हैं तो हमने भी उसको डाल दिया है ऑल इन ऑल कंक्लूजन इज दैट न्यू सिलेबस ही फॉलो होगा उसमें एक एडिशन कर दी है ठीक है अब मैम ये जो न्यू सिलेबस है जो तो पुराने में जैसे कॉकरोच है वो तो हम कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि पुरानी एनसीआरटी में अवेलेबल है जिसके पास पुरानी एनसीआरटी नहीं है दे कैन टेक इट फ्रॉम माय टेलीग्राम टेलीग्राम इज विद माय नेम सीप पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा और मैम ये फ्रॉक कहां से करें ये प्लांट फैमिलीज कहां से करें तो इसका सोल्यूशन बेटा मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी आप देख रहे हो कितना बड़ा पेज है मैं बेटा बायो पढ़ाती हूँ दस साल हो गए मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ाया वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ फ्रॉग मैंने ऑलरेडी आपको एक महीना पहले कराया था अगर आप ध्यान दोगे अराउंड इसके फोर लाख व्यूज बेटा टच करने वाले वन ऑफ द बेस्ट सेशन है फ्रॉक का जाकर देख लीजिए डेंगी चिकनगुनिया एड किया था ये भी मैंने बेटा आपको करा रखा है करा भी रखा और इसके क्वेश्चंस तक भी बेटा मैंने करा दिए हैं प्लीज गो चेकआउट मैं इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दे रही हूँ देन आप ध्यान से अगर इस प्लेलिस्ट को देखेंगे इसमें लिविंग वर्ल्ड एनिमल किंगडम कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी बेटा आप यहाँ पर ना व्यूज देख लो और ये विद इन 1 मंथ के व्यूज है मैंने पूरी 3D में आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कराई है पूरी 3D में यस yes? अब मैम बात आती है मैम जो न्यू प्लांट फैमिलीज है कल ही कराया दो दिन पहले न्यू प्लांट फैमिलीज जितनी भी है मालवेसी क्रूसीफेरिय कंपोजिटे एस्ट ग्रामीण ये सब मैंने करा दिया है जाइए इन सेशंस को देख कर आइए क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है कुछ ऐड नहीं किया है कुछ डिलीट नहीं हुआ है बेटा इनफैक्ट ऐड ही हो गया इंसेक्ट को ऐड कर दिया इन्होंने तो सिलेबस हैज बीन नाउ ठीक है ना। साथ ही में मैंने कल ही प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया है फोटोसिंथेसिस हम कर चुके हैं प्लीज आप मेरे साथ ज्वाइन करिए कंप्लीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 सिक्सटी बेटा टारगेट है हमारी इस यूनिट का एंड पूरा सिलेबस हम बायो का एक बार फिर यहां पर कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो दोबारा नहीं आएगा जो हो गया वो दोबारा भी कराऊंगी लेकिन जो करा दिया है स्पेशली फ्रॉक को डेंगी चिकन गुनिया को न्यू प्लांट फैमिलीज को जरूर देख लो इन सेशन से वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑन यूट्यूब तुम्हें यहां पर मिलेगा ठीक है इस वीडियो को जितना तुम बोलना चाहो बोल सकते हो प्लीज टेल मी वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस एन को मुझे नहीं पता क्या हुआ है है सब कुछ करना एंड हम कुछ बोल नहीं सकते हमारा काम है बेटा मेहनत करना हमें जो जो बोला जाएगा हम उसमें मेहनत करेंगे इस टाइम पर आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जो चीज न्यू न्यू सिलेबस में गिवन है वही करनी है और एक चीज इंसेक्ट ऐड कर दिया गया है तो वो इंसेक्ट भी हमको पढ़ना है ठीक है बाकी जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उसको पता है कि किस लेवल तक जाना है तो जब मैं अपनी क्लास में कराती हूं तो मैं आई नो कि मुझे किस लेवल तक हिट करना है जहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना एंड डो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको क्या लगता है इसके बारे में वट आर योर थॉट्स एंड डू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच